हेलो मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हम में हार्दिक वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मित्रों आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को एक स्मूथ वे में जारी किए होंगे। तो दोस्तों आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे मनोविज्ञान में, जो मनोविज्ञान में चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे बाल विकास पर, चाइल्ड डेवलपमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। जो कहीं ना कहीं मनोविज्ञान है यह आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। मित्रों सी टेट की जो डेट है वो निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित कर दी गई है, शायद 7 जुलाई को जो है, 7 जुलाई सन 2019 को इसका पेपर है। और उसके लिए जो है बाल मनोविज्ञान से साइकोलॉजी से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अनिवार्य होंगे। अगर हम पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ जो है अगर हम पढ़ते हैं, जहां पर आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 5 सब्जेक्ट होंगे और 5 सब्जेक्टों में 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 150 क्वेश्चनों में जो 30 क्वेश्चन होंगे वो आपके बाल मनोविज्ञान से होंगे, यानी कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी से होंगे। उसके बाद अनिवार्य हैं, उसके बाद नंबर 2 आपके 30 क्वेश्चन गणित से होंगे अनिवार्य हैं, नंबर 3 30 क्वेश्चन जो है आपको जो है गणित से होंगे अनिवार्य हैं, और 30 क्वेश्चन आपको जो है पर्यावरण से होंगे जो आपको अनिवार्य हैं, और 5वां जो सब्जेक्ट होगा जो कहीं ना कहीं आप द्वितीय भाषा आपने जो सिलेक्ट कर रखी होगी, चाहे आपने हिंदी के अलावा, चाहे आपने अंग्रेजी सिलेक्ट कर रखी हो, चाहे आपने संस्कृत सिलेक्ट कर रखी हो, चाहे आपने उर्दू सिलेक्ट कर रखी हो, 30 क्वेश्चन आपको उससे पूछे जाएंगे। इस तरीके से 150 प्रश्नों का पूरा समूह होगा और उन 150 प्रश्नों को आपको हल करना अनिवार्य होगा। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप अब पूरी स्ट्रेटजी के साथ पूरी रणनीति बना करके पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत जल्द यूपी टेट भी आने वाला है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए यह बाल विकास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बाल विकास पर हम लोग चर्चा करेंगे कि बालक का जो है बर्थ कैसे होता है, जन्म कैसे होता है, कैसे स्टार्टिंग होती है, और सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पर जो है हम मनोविज्ञान के ऊपर कंटिन्यू आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो चर्चा करेंगे बाल विकास पर चर्चा करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो जन्म से पूर्व की बात करेंगे। बालक का जो जन्म है, जन्म से पूर्व कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यह क्या होता है, पितृ होता है और यह माता होती है। पितृ और माता दो लोग होते हैं, जब दोनों लोगों का युग्मन होता है, जब दोनों लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि 50% जो गुण होते हैं वो माता से आते हैं और 50% जो गुण होते हैं वो पिता से आते हैं। और जब पिता से आने का जो पहली अवस्था होती है, जिसे हम जब माता और पिता मिलेंगे तो क्या होगा, युग्मन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मावस्था बोलते हैं। क्या बोलेंगे, युग्मावस्था बोलेंगे। उसके बाद द्वितीय प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद जो द्वितीय प्रक्रिया होती है भ्रूण, क्या होती है, भ्रूण। द्वितीय प्रक्रिया जो होगी वो भ्रूण होगी, जिसको हम नाम देते हैं भ्रूणावस्था। क्या नाम देते हैं, भ्रूणावस्था। उसके बाद जो तीसरी प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। और गर्भावस्था को जो है हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पर गर्भावस्था होता है बालक का, यहाँ पर जो है जन्म होने के लिए प्रारंभ हो जाता है, तो उसे गर्भावस्था बोलते हैं। जिसे हम जो इसको हम प्लेसेंटा के नाम से या अपरा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 280 दिन के बाद बालक का जन्म होता है, 280 दिन के बाद बालक का बर्थ होता है। बालक लड़का हुआ लड़की हुआ कैसे पता चलता है, तो मैं आपको बताऊं मित्रों, पूछा गया कई बार प्रश्न आया है कि मनुष्य के अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मित्रों। और कब लड़का होता है, कब लड़की, जो लड़का होता है उसके अंदर XY गुण पाए जाते हैं, जो लड़की होती है
वह एक्स एक्स गुण उसके पास होते हैं, और लड़के का जौन सा गुण प्रभावी होता है, अगर एक्स गुण उसका प्रभावी है तो लड़की पैदा होती है, अगर एक्स और अगर उसका वाई गुण प्रभावी है तो लड़का पैदा होता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कभी कभी बालक का जन्म होने के बाद बालक के माता पिता कहीं ना कहीं लंबे होते हैं और बालक कहीं ना कहीं छोटा रह जाता है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण ये होता है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उसके दादाजी परदादाजी कहीं ना कहीं अगर छोटे रहे होंगे, जिसकी वजह से बालक छोटा हो गया। और आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बालक के माता पिता छोटे होते हैं और बालक लंबा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? उसके दादाजी परदादाजी नाना नानी कोई ना कोई परिवार में जरूर लंबा रहा होगा, जिसकी वजह से बालक लंबा होता है। मित्रों, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा आनुवंश की, जो ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में आपको बतलाते हैं, बात सच है कि नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने जन्म से पूर्व की प्रक्रिया पढ़ी, अब जन्म के बाद की प्रक्रिया क्या होती है जरा उस पर थोड़ा विचार करते हैं। जन्म के बाद जो है बालक का विकास कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से सभी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की अवस्थाएं जो हैं निम्न प्रकार वर्गीकृत की गई हैं। तो निम्न प्रकार वर्गीकृत की गई हैं, कैसे वर्गीकृत की गई हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। नंबर एक बताया गया है प्रारंभिक बाल्यकाल। क्या बताया गया है? प्रारंभिक बाल्यकाल, जिसकी जो आयु बताई गई है, जो जन्म से लेकर के 12 वर्ष की आयु जो है बताई गई है प्रारंभिक बाल्यकाल की, और उसके बाद बताई गई है पूर्व किशोरावस्था। क्या बताई गई? पूर्व किशोरावस्था, जिसकी उम्र बताई गई है 12 से 16 वर्ष की। और उसके बाद नंबर तीन बताई गई किशोरावस्था, जिसकी उम्र बताई गई है 16 से 21 वर्ष की। और उसके बाद नंबर चार बताया गया है वयस्कावस्था, 21 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है वो वयस्कावस्था होती है। लेकिन यहाँ पर और मैं आपको बता दूं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रारंभिक बाल्यकाल है उसको कई भागों में बांट दिया। जैसे कौन कौन से भाग हैं जरा मैं उन पर जो है चर्चा कर लेते हैं। नंबर एक शैशव, जिसे हम इन्फेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, शैशवावस्था इन्फेंसी के नाम से जानते हैं, जिसकी उम्र जन्म से लेकर के 3 वर्ष की उम्र बताई गई है। नंबर दो पूर्व बाल्यकाल, जिसकी उम्र 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की बताई गई है। नंबर तीन उत्तर बाल्यकाल, जिसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की बताई गई है। मित्रों कहीं ना कहीं और अगर देखा जाए उपरोक्त जो भी वर्गीकरण किया गया है, उपरोक्त जो भी परिभाषा जो भी वर्गों में बांटा गया है उसको देखते हुए, उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मित्रों डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स महोदय हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित किया है और अनुसार किया। जो इनकी अध्ययन की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे अगर अनुकूल अगर कोई इन्होंने बांटा है तो सबसे अच्छी तरीके से बांटा है वो बांटा है डॉक्टर अर्नेस्ट महोदय ने बांटा है, और उन्हीं की पर जो है सारी चीज़ें मनोविज्ञान में यहाँ पर जो है बाल विकास में बताई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं जो डॉक्टर अर्नेस्ट महोदय ने बालक की जो अवस्थाएं हैं उनको जो है 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांटा। जैसे नंबर एक शैशवावस्था, कौन सी? शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष तक, कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 5 वर्ष मानते हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक इसको 6 वर्ष मानते हैं। उसके बाद नंबर दो बाल्यावस्था, जिसकी उम्र 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की बताई गई है मित्रों। और नंबर तीन किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की उम्र है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। और नंबर चार प्रौढ़ावस्था, जिसे 18 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसे प्रौढ़ावस्था के नाम से जानते हैं। तो मित्रों जो शैशवावस्था होती है 0 से लेकर के 5 वर्ष की, जन्म से लेकर के 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवस्था होती है, तो यह क्या होती है? अनुकरण की शुरुआत होती है। शैशवावस्था में ही बालक अनुकरण करना सीख जाता है। और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि शैशवावस्था जो होती है वह कौन, उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है अनुकरण की अवस्था भी इसको कहा जाता है। किसकी अवस्था? अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि बालक की प्रथम शिक्षक कौन होती है? तो बालक की जो प्रथम शिक्षक जो होती है वह माँ होती है। कौन होती है? माँ होती है। बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है? बालक की प्रथम भाषा क्रंदन होती है। जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले क्रंदन करता है, रोता है, आपने देखा होगा मित्रों।
और दूसरी जो अवस्था बताई गई है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है इसे डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है, गंदी अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा 5-6 वर्ष का बालक होता है जब हम उसको स्कूल में भेजते हैं, अच्छे सुबह यहाँ से अच्छे कपड़े पहनाकर भेजते हैं, ड्रेस में भेजते हैं बढ़िया तरीके से, लेकिन जब तक वह वापस आता है 4-5 घंटे के बाद तो वह अपने सारे कपड़े गंदे करके लाता है। और यही अवस्था डर्टी एज के नाम से भी जानी जाती है। कौन अवस्था? गंदी अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की उम्र होती है उसको डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है, मिथ्या परिपक्वता के भी नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 जो किशोरावस्था है, इस अवस्था को जो है तूफान की अवस्था भी कहा गया। स्टेनले हॉल महोदय ने तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था भी इसको कहा है। तूफान की अवस्था, संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल महोदय ने कहा। कई बार पूछा गया है कि तूफान की अवस्था किसको कहा गया है, तो तूफान की अवस्था जो है स्टेनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था को कहा है। जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र होती है, बालक अगर कुछ बनना चाहता है, अगर बनना चाहेगा तो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की उम्र में वह बन सकता है। और उसके बाद अगर देखा जाए जो 18 वर्ष के बाद की उम्र होती है वह कौन सी उम्र होती है, वह जो है उम्र होती है प्रौढ़ावस्था। 18 के बाद की जो उम्र कहलाती है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। मित्रों इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे। बालक का मानसिक विकास कब होता है, बालक का सामाजिक विकास कब होता है, बालक का चारित्रिक विकास कब होता है, और जो है बालक का संवेगात्मक विकास कब होता है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इसी में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। और मित्रों मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जो लड़का होता है वह अपनी माँ को बहुत प्रेम करता है, जो बालक छोटा होता है वह अपनी माँ को बहुत प्रेम करता है, और जो लड़की होती है वह अपने पिता को बहुत प्रेम करती है। ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लड़का अपनी माँ को प्रेम करता है और लड़की अपने पिता को प्रेम करती है, ऐसा क्या कारण है, उसकी वजह भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बारी बारी से। शैशवावस्था के बारे में बताएंगे, बाल्यावस्था के बारे में बताएंगे, और किशोरावस्था के बारे में बताएंगे, और प्रौढ़ावस्था के बारे में बताएंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, वह सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। मित्रों अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक भेजें और शेयर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, बाकी अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।